तो हे गाइस, हमारे सिटी के अंदर आ चुके हैं छोटे छोटे डायनासोर्स, और आज हम इन्हीं चूहे जैसी दिखने वाले डायनासोर्स को अलग अलग लोकेशन से पकड़ेंगे एंड फिर इनके साथ मिलके पुलिस वालों के ऊपर अटैक करेंगे और साथ ही में सिटी में घूम रहे सारे एनपीसीज को मारेंगे। लेकिन इसके लिए हमें इनको अलग अलग लोकेशन से पकड़ना होगा। तो यार, आज का न्यूज देख के तो काफी मजा आ गया, क्योंकि हमें इन छोटे छोटे डायनासोर्स का लोकेशन मिल चुका है। तो सबसे पहले लोकेशन है हमारा ओल्ड हाउस का। एंड यार, मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे सिटी में इतने छोटे छोटे डायनासोर्स भी हैं। तो हमारा जो पहला डायनासोर है वो है ब्रैच डायनासोर, जो हमारे बाथरूम के अंदर है। तो चलो फटाफट अपने ओल्ड हाउस तक चलते हैं और जल्दी से उस ब्रैच वाले डायनासोर को पकड़ते हैं, क्योंकि ये लोकेशन सिटी के सारे लोगों को पता चल गया है और इससे पहले कोई और जाके उन्हें पकड़ ले, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। एंड गाइस, ये छोटे छोटे डायनासोर आखिर दिखते कैसे होंगे? मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में इतनी छोटे डायनासोर्स कभी नहीं देखे, और मैं इन सभी डायनासोर्स को अपने बैग के अंदर रखने वाला हूँ। सो हे गाइस, फाइनली मैं अपने ओल्ड हाउस तक पहुँच चुका हूँ एंड अभी टाइम है जल्दी से अपने ओल्ड हाउस के बाथरूम में जाने का। अबे जस्ट वेट यार, यहाँ पे ये जॉम्बी कैसे आ गया? ओह माय गॉड, ये तो आते ही मेरे ऊपर अटैक करने लगा है। इससे पहले ये जॉम्बी मुझे मार दे, मुझे जल्दी से मारना होगा। एंड फाइनली यार, मैंने इस जॉम्बी को तो यहाँ पे मार दिया है, और अभी इससे पहले डायनासोर यहाँ से चला जाए मुझे जल्दी से उसे पकड़ना होगा। अबे जस्ट यार, ये स्विमिंग पूल में है क्या? ओह माय गॉड, इतने सारे जॉम्बी यहाँ पे मरे पड़े हैं। लेकिन इतने सारे जॉम्बी को आखिर मारा किसने होगा? पता नहीं यार, आखिर क्या सीन है। छोड़ो इसे, चलो जल्दी से बाथरूम के अंदर उस डायनासोर को देखते हैं। वैसे मुझे इस वाले डायनासोर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये ब्रैच डायनासोर है जो काफी ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। एंड यार, फाइनली मैं बाथरूम में आ चुका हूँ, और ये देखो यार कितना छोटा डायनासोर। ओह माय गॉड, मैंने आज से पहले इतना छोटा डायनासोर कभी नहीं देखा, और मुझे लगता है ज्यादा गर्मी की वजह से ये जुरासिक पार्क से भाग के यहाँ पे आ गया है। एक बार देखो ये पानी में कैसे कूद कूद के खेल रहा है। हाँ तो गाइस, फाइनली मैंने इसे बैग के अंदर पैक कर लिया है। अबे एक मिनट, ये कौन अटैक कर रहा है यार? यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। ओह गाइस, जैसे मैंने इसे बैग के अंदर रखा, किसी ने मेरे ऊपर अटैक करने लगा, और देखो इसकी वजह से मेरी हेल्थ कितनी ज्यादा कम हो गई है। मुझे लगता है इस छत के ऊपर जरूर कोई बैठा हुआ है, मुझे छत के ऊपर जाना चाहिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर, और ओह माय गॉड, ये देखो कितना बड़ा स्नेक मॉन्स्टर। अबे देखो, मेरे छत के ऊपर आते ही ये मेरे ऊपर अटैक करने लगा है। लेकिन ये आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? दोस्तों देखो, जब भी मैं इसके पास जा रहा हूँ ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। मुझे लगता है ये टीनी डायनासोर की रखवाली कर रहा है, और जैसे मैंने इसे पकड़ लिया ये गुस्से के मारे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसे मार के यहाँ पे खत्म करते हैं और जल्दी से चलते हैं दूसरे डायनासोर को पकड़ने। तो फाइनली यार देखो, मैंने स्नेक मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार दिया है एंड इसकी वजह से मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम बची है। बट गाइस, चलो अगले डायनासोर को देखते हैं, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा छोटा है एंड कमाल की बात ये है कि वो वाला डायनासोर उड़ भी सकता है। तो ये वाला जो डायनासोर का लोकेशन है वो है हमारे बीच का। जी हाँ, हमारे बीच पे जो छोटा सा हाउस है उसी के अंदर वो उड़ने वाला डायनासोर है। बट यार, ये छोटा डायनासोर भले ही दिखता है लेकिन ये अपने मुंह से आग भी निकाल सकता है, एंड वो कैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपने गाड़ी के अंदर और अभी चलते हैं जल्दी से उस बीच पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो डायनासोर वहाँ से उड़ के भाग जाए, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। तो जल्दी से चलते हैं उस बीच पे। और ये वाला जो डायनासोर है इन सभी डायनासोर से अलग है, तो मुझे लगता है कि इसकी सेफ्टी के लिए कोई खूंखार जानवर रखा गया होगा। हाँ तो फाइनली यार, अभी हम आ चुके हैं बीच पर। बट एक सेकंड, मेरे आगे देखो कितनी सारी हाथी घूम रही हैं। लेकिन इतने सारे हाथी के झुंड यहाँ पे बीच पे क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सब हाथी उस डायनासोर की रखवाली कर रहे हैं? फिर तो इन सभी को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आज मैं काफी सारे वेपन लेके आया हूँ, और कुछ भी हो इन सभी को मार के सारे डायनासोर पकड़ के ले जाऊंगा। अभी यार, मैं इतनी सारी गोलियां चला रहा हूँ लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा? अभी यार फाइनली देखो, मैंने इसे मार दिया है। अभी एक और आ रहा है, इसे भी मारना होगा, नहीं तो एक पैर में ही ये मुझे मार देगा। तो गाइस, मैंने फाइनली इसे भी मार दिया है, लेकिन यार मैंने एक बार में ही दो दो एलिफेंट एक साथ मार दिए हैं। बट गाइस, एक बात तो माननी होगी कि इसको और ज्यादा सेफ्टी में रखा गया था, बिकॉज देखो ये वाले एलिफेंट कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं। सो यार, मैंने फाइनली इन सारे एलिफेंट को मार दिया एंड अभी टाइम है उस जल्दी से उस डायनासोर को पकड़ के अपने बैग के अंदर रखने का, क्योंकि ये वाला डायनासोर उड़ने वाला है तो ये कभी भी उड़ के भाग सकता है। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ बीच पर, और ये रहा वो छोटा सा हाउस।
एंड चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं उस डायनासोर को। ओ माय गॉड यार, ये देखो कितना छोटा डायनासोर। यार ये तो देखने में एक बिल्ली जैसा लग रहा है, लेकिन इसके पंख भी हैं। और ये वाला डायनासोर इन सारे डायनासोर में सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसके पास उड़ने वाली पावर भी है। तो चलो यार, फाइनली मैंने इस वाले डायनासोर को भी पकड़ लिया। और अभी हमें जाना होगा अगले लोकेशन पर, जहाँ से हमें दूसरा डायनासोर पकड़ना होगा। और हो सकता है अगला वाला डायनासोर इससे भी ज्यादा छोटा हो। सो अगला लोकेशन है हमारे जुरासिक पार्क का। एंड ये तो स्पाइनासोरस है, जो मुझे लगता है इस अंडे से निकला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर और भी ढेर सारे स्पाइनासोरस मिलेंगे। ओह गाइस, इनको पकड़ने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा, बट हमें थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये किसी भी आदमी को देखते ही उसके ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें मार के खा जाते हैं। अबे यार, ये वाला गाड़ी तो काफी धीरे चलती है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे सड़क पे तो काफी सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं। अरे ये वाली सुपर कार तो बुगाटी है, चलो इसे ही चुरा लेता हूँ, बिकॉज इसकी हेल्प से हम जुरासिक पार्क तक काफी आसानी से जल्दी में पहुँच जाएंगे। और वैसे भी इस सिटी में गाड़ियाँ चुराने का कोई कानून नहीं है। अगर आप किसी को मारते हो, गोली से मारते हो, तो यहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन अगर आप किसी की गाड़ी चुराते हो तो उस पे कोई भी पुलिस वाली नहीं आएगी। तो यार एक बार मीटर पर देखो कितनी हाई स्पीड में गाड़ी चल रही है, एंड इसकी हेल्प से हम काफी कम टाइम में जुरासिक पार्क पहुंच पाएंगे। वो देखो यार, हमारे ठीक सामने ये जुरासिक पार्क है, एंड इसके अंदर काफी बड़े बड़े और खूंखार डायनासोर होते हैं। तो मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा, नहीं तो वो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। वैसे अभी के टाइम देख सकते हो कहीं भी कोई डायनासोर नहीं दिख रहा, तो ये सही टाइम है मुझे उन छोटे डायनासोर को पकड़ने का। बट यार इतने बड़े से जुरासिक पार्क के अंदर मैं अंडे कहाँ से ढूंढूंगा। अरे एक मिनट यार, वहाँ देखो कितने सारे डायनासोर घूम रहे हैं। एक बार मुझे वहाँ पे जाके देखना चाहिए, पक्का वहीं पे वो छोटा वाला डायनासोर होगा। एंड एक मिनट, वहाँ पे मुझे अंडे वाला जगह तो दिख रहा है, बट इससे पहले मुझे इन सारे डायनासोर को मारना होगा, क्योंकि जैसे मैं उसे पकड़ूंगा ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। ओह माय गॉड यार, ये देखो दो डायनासोर मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। पहले मैं इन दोनों को मारता हूँ, एंड फिर मैं सारे डायनासोर को मारूंगा। सो अभी मैंने केवल एक एक फायरिंग में इन दोनों को मार दिया, एंड फिर बाकी सभी को मारते हैं। सो गाइस देख सकते हो, केवल एक एक फायर में सारे डायनासोर मरते जा रहे हैं। एंड ये वाला दो डायनासोर काफी दूर है, लगता है ये मुझे नहीं देख रहे हैं। सो ये सही टाइम है, इनको बिना देखे यहाँ से लेके भागते हैं इस छोटे डायनासोर को। एंड फाइनली यार, ये देखो कितना छोटा स्पाइनो। यार मैंने इतना छोटा स्पाइनो कभी नहीं देखा था, बट ये जगह काफी ज्यादा रिस्की है, तो जल्दी से इसे अपने बैग के अंदर रखते हैं, एंड यहाँ जल्दी से भागते हैं, नहीं तो और सारे डायनासोर मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। और अगला लोकेशन कहाँ है वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि यार अगर किसी बड़े से डायनासोर ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वो तो मुझे जिंदा ही मार देगा, और मैं फाइनली इतने सारे डायनासोर पकड़ने के बाद बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए कैसे भी करके इस पार्क से बाहर निकलते हैं। और यार आखिरकार अभी मेरे हाथों में तीन छोटे छोटे टीनी डायनासोर हैं, और अभी मुझे लास्ट वाला डायनासोर पकड़ना है, जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करेंगे। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ पार्क के बाहर, और यहाँ पे मुझे किसी से भी डर नहीं है, बिकॉज ये वाले डायनासोर कभी भी पार्क से बाहर नहीं आते हैं। सो अभी एक काम करता हूँ, यहाँ से अगला लोकेशन कहाँ है वो देख लेता हूँ। तो यार अगला जो लोकेशन है वो है हमारा पुलिस स्टेशन। जी हाँ, हमारे पुलिस स्टेशन के सेकेंड फ्लोर पर है ये टी रेक्स वाला डायनासोर। और गाइस ये वाला डायनासोर भी काफी छोटा है, लेकिन ये काफी खतरनाक है, क्योंकि ये वाला डायनासोर भी किसी भी आदमी को देखते उसे निकल जाता है। सो चलो यार फटाफट चलते हैं पुलिस स्टेशन और जल्दी से उस डायनासोर को पकड़ते हैं। एंड मुझे नहीं लगता यार वहाँ पे आखिर इसकी रखवाली कौन कर रहा होगा, बट जो भी हो मैंने आखिरकार तीन डायनासोर पकड़ने हैं, एंड ये वाला आखिरी है, तो मुझे कैसे भी करके इसे पकड़ना है। सो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं पुलिस स्टेशन के सामने, एंड अभी मुझे गाड़ी को अंदर ले जानी है। और यार मुझे तो लगता है ये पुलिस वाले ही इसकी रखवाली कर रहे हैं, और मुझे इस वाले डायनासोर को पकड़ने के लिए सबसे पहले इन्हें मारना होगा। तो यार ये वाला मिशन भी काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि ये देखते ही मुझे फायर करने लगेंगे। तो अभी एक काम करता हूँ, पहले इस बंदूक वाले पुलिस वालों को मारता हूँ। अबे नहीं यार, ये सारे पुलिस वाले मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। चलो यार फाइनली मैंने एक पुलिस वाले को तो मार दिया, एंड अभी मैंने ये दूसरा और ये तीसरा, चलो इस बंदूक वाले को मारते हैं, और फाइनली मैंने इसे भी मार दिया। और ऐसे करके गाइस देख सकते हो मैंने पांचों के पांचों पुलिस वाले मार दिए, बट इससे पहले और भी पुलिस वाले यहाँ पे आ टपके, मुझे जल्दी से उस टीरेक्स वाले डायनासोर को भी जल्दी से पकड़ना होगा। सो फाइनली यार अभी हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन के सेकेंड फ्लोर पर। हो यार ये डायनासोर तो मेरे से भी छोटा है, लेकिन आखिर ये यहाँ पे घूम घूम के कर क्या रहा है। कुछ भी हो यार, यहाँ पे और भी पुलिस वाले
आया है, इससे पहले इसे भी पकड़ते हैं। सो फाइनली मैंने चारों के चारों डायनासोर पकड़ लिए। तो अभी बारी है इन चारों डायनासोर से पुलिस वालों के ऊपर अटैक करने का। और देख सकते हो गोली फायरिंग करने के बाद भी इन डायनासोर को कुछ नहीं हो रहा। ओ तेरी की, ये देखो फ्लाइंग डायनासोर कैसे जंप कर रहा है। ओ माय गॉड, ये टीरेक्स वाला डायनासोर तो पुलिस को ही मार के खाने लगा। तो यार इन छोटे डायनासोर को पकड़ने में तो काफी मजा आया। सो हे गाइस, ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था एंड आई होप कि आपको इसमें काफी ज्यादा मजा आया होगा। सो आगे भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहेंगे। वैसे आगे इस गेम के अंदर कौन से अपडेट लाना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।